हे गाइस, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्कार, आप कैसे हैं? आशा करते बहुत ही मस्त और स्वस्थ हुई है गाइस। हमारे सीमा सिंह डांसर ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग बने रहिए मेरा न्यू ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग में। गाइस, आप लोग के देख पीछे से आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा कितना अंधेरा सा लग रहा है। हमारा चेहरा भी आपको फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो पूहा है घेर रखा है और काफ़ी ठंड लग रहा है। कहाँ गेल रहले रे? कहाँ से पैसा लाबे गेलू हो? मुजफ्फरपुर कैला? देखिए गाइस, कितना ज्यादा कुहा हो चुका है। और ये रहा मेरा मेन गेट। अभी सब नानी से विदुरा पे पूरा फूक के ताप रही है। अभी कितना काफ़ी हो चुका है, बोलने से मुंह से धुआं निकल रहा है मुझे। फ्रेश दिखाई भी नहीं दे रहा, बस देखिए चरगिर्दी से कुहा ही दिखाई देगा। हल्का फुल्का पेड़ दिखाई देगा आपको और उसके अलावा सभी कुहा है। हम नीचे पता है क्या सजाने वाले हैं? ये रहा बांस की सीढ़ी, इससे जाने वाले हैं क्योंकि ऊपर में बहुत बड़ा सा तार, जो बाहर सब में जो कंपनी बड़े बड़े कंपनी है उसमें जो लाइट जलता है यही तार से गया हुआ है। सबसे बड़ा है, 11 लाख का है शायद, वही तार है इसलिए बहुत ज़्यादा करेंट मारता है। अभी हम इतना देर ब्लॉग बना रहे हैं गाइस, बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में और शॉर्ट वीडियो भी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। छत पे आगे बनाने पता है मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में मतलब करेंट लगता है, ऊपर वाला से जो तार है उससे करेंट लगता है। अगर हाथ में हाथ सट गया ना किसी से बहुत ज़ोर का झटका लगता है इस पर, इसलिए जल्दी चढ़े नहीं होते हैं हम लोग। छत पर बहुत कम बनाते हैं रील्स, छत पर ज़्यादा करके रूम में बनाते हैं क्योंकि करेंट काफ़ी लगता है। और ये रहा हमारे बड़े नाना जी का घर, इनका तो शायद बन भी सकता है क्योंकि हटके हैं थोड़ा सा, लेकिन हमारा घर कभी भी 2 तला नहीं बनेगा। सपना देख सकते हैं, हकीकत नहीं कर सकते हैं। हाँ, लंबा चौड़ा यहाँ से वहाँ तक रूम बन सकता है, 20-25 रूम बन सकता है। हाँ का दे गाइस, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि इतना काफ़ी ज़्यादा जो कुआ घिर रखा है इसलिए बहुत ठंड। जा रूम में जा, बहुत ज़्यादा ठंड है, जल्दी जा रूम में जा। बाबू चल जा बेटा, अब कैसे उतरे मम्मी? बुआ रे उतरे में ना बनते हैं, चढ़ तो गए हैं ऐसा देखे उतरने में नहीं बन रहा है। बैठे हुए हैं राह पे और चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और चलिए फटाफट आ गए नीचे हम। और देखिए ठंड में हम बउआ करे कलमा उखाड़ के मुँह में बांध ले लिया बड़े। काफी ज्यादा ठंड है आयुष। बाहर निकल गए हम।
तक पूरा था फिर एक महीना कवई राजमिस्त्री ने कपड़ा लता भैया सवेरे सवेरे कुहा भगावे के लिए कुहा भगावे ना के लिए कुहा दिखावे के लिए अच्छा देखिए पूरा पुकाया हुआ है नानी मामा बुआ सबको हंसाई है नाना हम मामा सवेरे सवेरे कहाँ गए थे एटीएम में एटीएम 5 लाख निकाल ले 5 लाख रुपया निकाल ले मामा रे हमरो दे दे 5 रुपया 1 लाख तो दे 1 लाख रुपया दे लो देखी ना पपड़ी हिसाब में ना वो लगा लाई करू कलवा एक बार फोन कर उठा ले लो 50 मिनट तक अभी तो सोच समझ के उठा हुआ सोच ले बहु लगाई जगह पैसे मांग ली मैं सब पैसा पठा लेते पैसा नहीं निकाल के देव तब कि मन मम्मी जाओ 2 दिन कल 2 साल रुक ली 2 साल आर रुक लो ना 2 दिन में जाओ 5 साल के बाद ले क्या दिक्कत है पैसे कहीं उठा हमरा मन मुंह नहीं है पैसा पे खाए घर के लिए तो घर के लिए सही बात है 5 लाख से हमरो दे दिए मामू 1 लाख बहुत ठंडा लगते है ना कुहा बहुत ज्यादा घेर देले है बाप रे आज रौदा ना करतो ना नो रौदा आई रौदा करतो देख ना भी सूरज गान उगलो करता है रौदा करता है कुहा लगले तो रौदा होते ने से के ना को रात जाले खाना वा खाएम की सब गेले खाना तो पका कर बनो याल पका कर ये ले की खाना कादी बना लो बना लिया दाल भात भुजिया गैस है दाल भात ते भुजिया वो नहीं बना तो बनो ये चलिए गाइस कहीं बहुत ठंड लग रही है ब्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम भी टपक जाए ठंडा में बहुत ठंडा लग रहा है और मेरा हाथ जो हाथ से पकड़े हुए हैं मम्मी बहुत ज़्यादा बर्फ हो चुका है देखिए मुर्गी बेचारा का क्या हाल है का करकनाथ हाल चाल ठीक है करकनाथ ए करकनाथ ए करक ठीक है हाल चाल ठंडा लगो है कि ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सही से मेरा तो फेस भी नहीं दिखाई दे रहा इतना कुआ है आगे फील्ड में चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में ब्लॉग है समाप्त करते हैं और ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।